जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूके ट्रिपल एससी पर्सनल असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 259 पोस्ट पर निकाली है। इस वीडियो के अंदर आपको रिलेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप फीस की इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना है। ये नाम आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखेंगे। फिर आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहां से आपका ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहां पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। और ईयर सिलेक्ट करने के बाद में फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फिर फीमेल। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप टिक करेंगे। नेशनलिटी क्या है, इंडियन या फिर अदर, जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। अब यहां पर कुछ सवाल पूछे हैं या सवाल आपको पढ़ने हैं और इनमें जो चीज आपके ऊपर लागू है उसमें आप यस करेंगे, जो लागू नहीं है उसमें आप नो कर देंगे। सवाल हिंदी के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि पहला सवाल आता है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है, यानी कि जो रोजगार कार्यालय होते हैं वहां पर अगर आपका रिलेशन हो रखा है तो आप यस करेंगे, नहीं हो रखा है तो आप नो करेंगे। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है, अभी करंटली कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसी तरह से अगला सवाल आप यहां पर पढ़ेंगे जहां पर है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई उसके बराबर की परीक्षा पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको उत्तराखंड के बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली आपको सवालों को पढ़ना है और जो चीज़ आपके ऊपर है उसमें यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें आपको यस करना है या उसमें नो करना है, क्योंकि ये तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही तय करेगा कि आप उसमें आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आते हैं तो यस, नहीं आते हैं तो नो। फिर क्या आप उत्तराखंड के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी है या फिर एससीएसटी है तो आपको बताना है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है, सर्टिफिकेट किस डेट में बना है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी हुआ है और कब तक वो वैलिड है, वो डेट भी आपको बतानी होगी। जनरल को ये चीज़ देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर सवाल है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि डीएफएफ के आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर एक और सवाल यहाँ पर आता है जो कि आपको पढ़ना है कि क्या आप अनाथ है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। और बाकी आप अनाथ के बाद में बाकी लाइन भी पढ़ लीजिएगा। फिर अब आप यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी है वो एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट टू के अंदर डालेंगे। स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके सिटी टाउन विलेज का नाम देना है, फिर अपना पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। और गाइज अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक कर दीजिएगा। फिर नीचे आता है आपके सामने पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि फॉर्म कहां से आप भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्पेशल कैरेक्टर कोई एक और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी की जो भी आपके सामने आए वो यहां पर डालिए और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहां पर गाइज आपके सामने जो जानकारी आपने अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करें, सभी स्पेलिंग चेक करें, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि यहां पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहां पर सेकंड ऑप्शन पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को सही कर ले। पर अगर आपको लगे कि यहां सभी जानकारी सही है तो पहले वाले ऑप्शन पर टिक करें और सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद आपका रिलेशन हो जाएगा और आपको यहां पर लॉग इन डिटेल्स, आपके नंबर और
ईमेल के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। अभी आप यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड बनाया वो यहाँ पर भरेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेप टू आ चुका है फॉर्म का, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट दिखाई दे रही है। तो आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए जो वो आपके पास होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टिक कर पा रहा हूँ एक से ज़्यादा पोस्ट, और मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर आपके पास उस पोस्ट की जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो है तभी आप टिक करिए, अगर आप किसी एक पोस्ट पर ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो आप वही यहाँ पर टिक करिएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे एडिशनल इसेंशियल क्वालिफिकेशन। जैसे कि एक सवाल है कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो तथा टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति प्रति घंटे एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अगर आपके पास है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो कि यहाँ पर दी गई है तो आप इसमें हाँ करेंगे, नहीं आप करते तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर मैंने अगली पोस्ट ये वाली सेलेक्ट किया, इस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है, ये मेरे पास है तो मैं यहाँ पर यस करूँगा। अगली पोस्ट मैंने ये वाली सेलेक्ट किया तो इसमें यहाँ पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो दी गई है, तो इसी तरीके से आप यस नो में आंसर करेंगे। अब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे, पहले आप हाई स्कूल सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से हाई स्कूल, उसके बाद में आपको आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने आपकी हाई स्कूल की है, फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं। अब आपने किस साल के अंदर आपकी जो दसवीं है वो पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सब्जेक्ट हाई स्कूल सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट वाले सेक्शन में किसके अंदर आपके नंबर थे, CGPA, मार्क्स, ग्रेड, नॉट एप्लीकेबल, तो जो उसमें भी थे वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया, तो मार्क्स सिलेक्ट करने पर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके जानकारी को ऐड कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपकी जो 12वीं की जानकारी है वो भरेंगे, पहले आप 12वीं सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद में आपको आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने 12वीं की है, फिर यहाँ पर आपको आपका जो 12वीं का बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपके जो स्ट्रीम है या फिर जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, फिर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, अगर मार्क्स तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे, फिर इस तरह से परसेंटेज आएगी और आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ पर डिग्री की जानकारी भरेंगे, तो मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पर बताना कि आपने कहाँ से आपकी ग्रेजुएशन की है। अगर आपने यहाँ पर इनमें से की है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर ले, इसमें यहाँ पर अदर का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर होना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट पर उस पोस्ट पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन के विकल्प है वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर अदर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस क्वालिफिकेशन के अलावा या फिर इन क्वालिफिकेशन के अलावा अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन, ये जैसे ही आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन आपको बताना है डेट ऑफ इशूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी कब इशू हुई थी वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उसको एंटर करना है, एंड ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो जो भी आता है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, किसके अंदर आपके नंबर थे वो बताएंगे, अगर मार्क्स तो आपको बताना कि टोटल नंबर आपको कितने आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, एंड देन आप यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने के बाद कुछ सवाल है, जैसे कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC-B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास सी सर्टिफिकेट है NCC का, और इसके अलावा सवाल है कि क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या आपको टाइपिंग आती है, उसमें आपको यस नो में करना है आंसर। एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है पहली चॉइस, फिर आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस देनी होगी। इसके अलावा क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप कभी इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैकलिस्ट या फिर निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, उसका नंबर यहाँ पर डाल दे, फिर कंटिन्यू ऊपर क्लिक करें। अब आप
आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिए, जो पिक्सल या फिर डायमेंशन आपको यहाँ पर बोला है उसी के अंदर आपको फोटो बनाने, कम ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो का जो पिक्सल है वो किससे कितने पिक्सल से लेकर के कितने के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप आपका फोटो बना लेंगे और फिर जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट की। अब मैं वेरीफाई करता हूँ, इस तरह से आपका फोटो आएगा। अब जहाँ पर भी आपका साइन है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर टिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है एक बार फिर से चेक कर ले, जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करें एंड देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट कर ले और उसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करें एंड अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे फीस जमा हो जाएगी और वो अपडेट होगी तो तभी आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग UK SSC पर्सनल असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।